नमस्कार, मैं मेघा, न्यूज मूवमेंट हिंदी में आपका फिर से स्वागत। आज की खबरों की सुर्खियां। अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 300 के पार हो गया है। आतिशी आप द्वारा दिल्ली की तिहाड़ जेल के बाहर इंसुलिन के लिए विरोध प्रदर्शन। गर्मी से राहत के लिए आसनसोल रेलवे मंडल ने की नई पहल। लोकसभा चुनाव के लिए आसनसोल में अब तक 3 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस, भाजपा और वाम मोर्चा के प्रत्याशी एक ही दिन 23 अप्रैल को नामांकन दाखिल कर सकते हैं। पूनम सिन्हा ने कल्याणेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के खिलाफ लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में पुलिस मामला दर्ज किया गया है। मणिपुर में 11 मतदान केंद्रों पर 22 अप्रैल को पुनः मतदान की घोषणा। चार का यह भाग प्रायोजित है RICIS रानीगंज द्वारा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के समापन के एक दिन बाद मणिपुर के मुख्य चुनाव अधिकारी CIO ने घोषणा की कि इनर मणिपुर लोकसभा सीट के 11 मतदान केंद्रों पर फिर से मतदान कराया जाएगा। CEO ने घोषणा की कि इन केंद्रों पर 22 अप्रैल को फिर से मतदान होगा। दो मतदान केंद्र खुरई विधानसभा क्षेत्र में, चार क्षेत्रीय गांवों में और एक इम्फाल पूर्व जिले के थोंगजू में और तीन उड़ी पोक में और एक इम्फाल पश्चिम जिले के कोंथौजम में है। यह घोषणा चुनाव आयोग के आदेश के बाद हुई, जिसमें भीड़ की हिंसा, दंगे और बर्बरता की खबरों के बाद 19 अप्रैल को पहले चरण के दौरान इन केंद्रों पर हुए चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया गया था। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी, तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियाँ और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट, जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, BNR मोड़, अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। फॉर कॉन्टैक्ट कॉल ऑन 9609773040। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के खिलाफ लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में पुलिस मामला दर्ज किया गया है। समाचार का यह भाग प्रायोजित है TVS PSJ द्वारा। यह मामला कांग्रेस नेता के एक वीडियो से संबंधित है, जहां उन्होंने कथित तौर पर बेंगलुरु के मतदाताओं से कहा कि अगर उन्होंने उनके भाई डीके सुरेश को वोट दिया तो वह उन्हें कावेरी नदी से पानी की आपूर्ति प्रदान करेंगे। डीके सुरेश बेंगलोर ग्रामीण से चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि उनका भाषण आदर्श संहिता का उल्लंघन करता है और चुनाव में रिश्वत और अनुचित प्रभाव के लिए पुलिस मामला दर्ज किया गया है। RMC यार्ड पुलिस थाने में FIR संख्या 78/2024 रिश्वतखोर और चुनाव को अनुचित रूप से प्रभावित करने के आरोप में IPC की धारा 171 BCEF के तहत दर्ज की गई है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज स्टेप इन हिंद कॉस्मेटिक सुपरमार्केट, फर्स्ट फ्लोर, आसनसोल।
Products are Biotic, Garnier, Ever Youth, Nivea, Shehnaz, Mammoth, O3 Professional, Lotus Professional, Patanjali, Jobis, Nature's, Men's Glow, Plum, M-Caffeine, VLCC, Good Vibes, Ola, Fame, Auxilic, Raja, Sugar, Lakme, Vaseline, Lotus Color, Ponds, Silk, Matrix, L'Oreal, Bella, etc. Our contact number is 9126767709. पूनम सिन्हा ने कल्याणेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिल व्यू हॉस्पिटल द्वारा। कुल्टी से लाली गुप्ता के अनुसार आसनसोल लोकसभा केंद्र के टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा ने आज कल्याणेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर उनके साथ बड़ी संख्या में इस क्षेत्र के टीएमसी कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे। पूनम सिन्हा ने यहां पर सभी विधि विधान का पालन करते हुए मां कल्याणेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक पत्नी अपने पति के लिए चुनाव जैसे महत्वपूर्ण समय में और क्या मांग सकती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मां कल्याणेश्वरी से यही प्रार्थना की आने वाले लोकसभा चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा को पिछले बार से ज्यादा मार्जिन से जीत हासिल हो। उन्होंने कहा कि उनका पूरा भरोसा है कि मां उनकी प्रार्थना जरूर स्वीकार करेंगे। वहीं सलानपुर ब्लॉक के INTTUC अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि आज टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा ने मां कल्याणेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। पूनम सिन्हा के आने वाले से कल्याणेश्वरी डेंडुआ इलाके के टीएमसी कार्यकर्ताओं में और ज्यादा जोश भर गया है तथा आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए और बेहतर ढंग से शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में चुनाव प्रचार किया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि इस ब्लॉक से शत्रुघ्न सिन्हा को आने वाले लोकसभा चुनाव में भारी बढ़त मिलेगी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप जीटी रोड आसनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। আওয়ার কন্ট্যাক্ট নাম্বার 8 and 8918940868। DSP DEA ने सेवानिवृत्त डिप्लोमा अभियंताओं को भावभीनी विदाई दी। समाचार का यह भाग प्रायोजित है ASP द्वारा। दुर्गापुर से संजीवन गोप के अनुसार दुर्गापुर इस्पात संयंत्र डिप्लोमा अभियंता संघ के सचिव जनसंपर्क श्री गौरव शर्मा ने बताया कि दिनांक 20 अप्रैल को संध्या 7 बजे एसोसिएशन ऑफिस में माननीय लोकसभा सांसद श्री दिलीप घोष एवं दुर्गापुर पश्चिम के माननीय विधायक श्री लखन चंद्र गौराई के गरिमामय उपस्थिति में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में सेवानिवृत्त डिप्लोमा अभियंताओं को भावभीनी विदाई दी गई तथा उनके द्वारा कंपनी को दी गई सेवाओं को याद कर उनको सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि सांसद श्री दिलीप घोष ने अपने संबोधन में डिप्लोमा अभियंताओं को उनके द्वारा सेल में दी गई सेवा की प्रशंसा करते हुए देश के विकास में इंजीनियरों के महत्व को सराहा तथा डिप्लोमा अभियंताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को बताया। उन्होंने सेवानिवृत्त डिप्लोमा अभियंताओं को सेवानिवृत्ति के पश्चात समाज के विकास में योगदान देने की अपील की। DSP DEA के अध्यक्ष श्री मृत्युंजय घोष ने डिप्लोमा अभियंताओं को सम्मानित कर उनका आभार व्यक्त किया तथा उनके किए गए कार्यों को सराहा। DSP DEA के महासचिव श्री नंद किशोर घोष बैराग्य ने डिप्लोमा अभियंताओं को सम्मान पत्र देकर उनके कार्यों की सराहना की तथा डिप्लोमा अभियंताओं के उत्थान के लिए किए जा रहे प्रयासों को बताया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल
100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। बिजली पोल से टकराने के बाद रानीगंज का मुख्य बाजार बंद हो गया। समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। रानीगंज दुल्हे को ले जा रही बस के लापरवाह चालक के नियंत्रण खो देने और बिजली पोल से टकरा जाने के कारण रानीगंज का मुख्य बाजार बंद हो गया। इस भीषण गर्मी में सुबह सुबह बिजली कटने से भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई। रानीगंज के राधा रमन रोड, जिले आरआर रोड और मृत्युंजय चटर्जी स्ट्रीट, जो एम के नाम से जाना जाता है, इस क्षेत्र के कुछ 100 निवासी सी रोड और दलपट्टी मोड़ क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। मालूम हो कि ये सभी इलाके रानीगंज बाजार का हृदय स्थल माने जाते हैं और इन सभी इलाकों में रात 10 बजे तक बिजली कनेक्शन कटा रहेगा। इस सड़क पर रानीगंज पुलिस चौकी और यातायात विभाग है, जिस पर इस दुर्घटना के कारण जाम लग गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा सड़क को पुलिस बैरिकेडिंग से घेर दिया गया है। परिणाम स्वरूप हालांकि एक या दो छोटे वाहन सड़क से गुजरते हैं, बड़े वाहनों या मालवाहक वाहनों का मार्ग बंद कर दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र की सभी दुकानें बंद हो गई है। इसके साथ ही सभी ने इस भीषण गर्मी में पूरे इलाके के संपर्क से कट जाने से काफी नुकसान होने की आशंका भी जताई है। इस दिन मौके पर पहुंचने पर देखा गया कि स्थानीय लोग एवं क्षेत्र के लोग बिजली कनेक्शन नहीं होने के कारण अपने घरों से बाहर निकल आए हैं और सभी लोग सड़क पर छांव में खड़े हैं। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society, affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. लोकसभा चुनाव के लिए आसनसोल में अब तक 3 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस, भाजपा और वाम मोर्चा के प्रत्याशी एक ही दिन 23 अप्रैल को नामांकन दाखिल कर सकते हैं। समाचार का यह भाग प्रायोजित एंजल द्वारा। इसके पहले SUCI के अमर चौधरी और BMP की दीपिका बावड़ी नामांकन कर चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के चुनाव एजेंट आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमर चट्टोपाध्याय ने शुक्रवार को कहा कि वे 23 अप्रैल को सुबह GT रोड पर BNR से जुलूस करेंगे और 11 बजे तक आसनसोल से जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय जाएंगे, न फिर वहां पार्टी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। भाजपा जिला नेता प्रशांत चक्रवर्ती ने कहा कि भाजपा उम्मीदवार SS अहलुवालिया उसी दिन जिला शासक कार्यालय में अपना नामांकन पत्र जमा करेंगे। वह लोग जुबली मोड़ से जुलूस लेकर आएंगे। वहीं वाम मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार CPM की जहां आरा खान उसी दिन दोपहर 12 बजे के बाद नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। वह लोग भी BNR से जुलूस लेकर आएंगे। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। TP मार्केट आसनसोल, मोबाइल नंबर 9635640012। गर्मी से राहत के लिए आसनसोल रेलवे मंडल की नई पहल। समाचार का यह भाग प्रायोजित है BNM कोचिंग सेंटर द्वारा। आसनसोल, जैसे जैसे पारा चढ़ता जा रहा है, पूर्व रेलवे का आसनसोल मंडल यात्रियों को पीने के पानी का सुलभ स्रोत
उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और इसके तहत आसनसोल डिवीजन के विभिन्न स्टेशनों पर भी हर तरह की व्यवस्था की जा रही है। गर्मी के मौसम में सम्मानित यात्रियों को राहत प्रदान करने के लिए आसनसोल मंडल पूर्व रेलवे ने मंडल विभिन्न स्टेशनों पर गुणवत्तापूर्ण पेयजल वितरण की व्यवस्था की गई है। आसनसोल मंडल के स्काउट्स एंड गाइड संगठन के सहयोग से और स्टेशन कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी के साथ इस नेक पहल को अंजाम दिया जा रहा है। चिलचिलाती गर्मी यात्रियों खासकर बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों पर भारी पड़ रही है। इस विकट स्थिति को देखते हुए आसनसोल डिवीजन ने यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं कि सभी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो। स्टेशन परिसर में प्रमुख स्थानों पर वाटर कूलर और डिस्पेंसर लगाए गए हैं और स्काउट्स एंड गाइड संगठन के स्वयंसेवक यात्रियों को पानी की बोतलें उपलब्ध करा रहे हैं। आसनसोल मंडल द्वारा समय पर की गई इस सहायता के लिए यात्रियों ने आभार व्यक्त किया है। आसनसोल मंडल अपने यात्रियों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा और गर्मी के मौसम में उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए सतर्क रहेगा। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टूडेंट स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश मैथ्स आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस क्लास 5 to 12 कॉन्टैक्ट सीके बनवाल 9832239611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758 बुद्धा हजरा दुर्गा मंदिर आसनसोल। रविवार को आसनसोल के गरुई घोषपाड़ा में हरि मंदिर के स्थापना पर 5 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई। स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर मंत्री मलय घटक, उद्योगपति और समाज सेवी विजय शर्मा, पार्षद अर्जुन माझी शामिल हुए। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एसके इन्फोकॉम द्वारा। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में हरि मंदिर के स्थापना पर 24 घंटे हरि नाम संकीर्तन के साथ 5 दिनों का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पहले दिन रविवार को कलश यात्रा के बाद पूजा अर्चना की गई। 25 अप्रैल तक लीला कीर्तन, रास लीला, कुंज विलास का आयोजन किया जाएगा। यहां बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830। अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 300 के पार हो गया है। आतिशी आप द्वारा दिल्ली की तिहाड़ जेल के बाहर इंसुलिन के लिए विरोध प्रदर्शन। वरिष्ठ रिपोर्टर संतराज प्रसाद के अनुसार दिल्ली की मंत्री आतिशी ने रविवार को दावा किया कि जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 300 को पार कर गया है, क्योंकि वह तिहाड़ जेल के बाहर अपमानजनक इंजेक्शन लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। प्रदर्शनकारियों ने तिहाड़ जेल प्रशासन से अरविंद केजरीवाल की गंभीर चिकित्सा स्थिति पर जोर देते हुए उन्हें इंसुलिन तक पहुंच सुनिश्चित करने का आग्रह किया। तिहाड़ जेल प्रशासन द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद यह विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें कहा गया था कि 10 अप्रैल और 15 अप्रैल को एक चिकित्सा विशेषज्ञ ने मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य की समीक्षा की थी, जिन्होंने मौखिक मधुमेह विरोधी दवाओं की सलाह दी थी और यह कहना गलत है कि अरविंद केजरीवाल को उनके इलाज के दौरान किसी भी समय इंसुलिन से वंचित किया गया था। अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली सरकार की अब खत्म कर दी गई आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया था। वे 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद है। अरविंद केजरीवाल पिछले 20 दिनों से जेल में है। वे 30 साल से डायबिटीज के मरीज है और उनका शुगर लेवल 300 से अधिक हो गया है। दोमोहानी बाजार दिंगवर जैन मंदिर की ओर से भगवान महावीर का 26वां 23वां जन्मदिन मना रहा है। दोमोहानी बाजार में प्रभात फेरी के साथ सुबह की शुभ शुरुआत हुई। उपस्थित गणमान्य लोग में अभिजीत सुबीर जैन, अशोक जैन, प्रकाश जैन, सुरेश जैन, पुष्पा जैन, मीरा जैन। Thank you.
समय है मोमेंट कैसमेज का. लिसन टू योर सॉल, इट इज ओल्डर देन योर हार्ट एंड विसर देन योर माइंड. अपनी आत्मा की सुनो, यह आपके दिल से पुरानी है और आपके दिमाग से ज्यादा समझदार है. हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें.